टोटल एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 इंटेंस स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो दोस्तों हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज ए सर्कल, सर्कल है तो इसका एक सेंटर भी होगा। अब इसमें आपको बताया जा रहा है कि ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल, तो एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, दिस इज डायमीटर। तो सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब आपको कहा गया कि सेंटर, तो सेंटर को सी से डिनोट करते हैं। सी का कोऑर्डिनेट गिवन है आपके पास 2-3, 2-3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज 1-4, बी का कोऑर्डिनेट 1-4 है। तो दोस्तों आपको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट सपोज एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम होगा कि कोई भी डायमीटर सेंटर के थ्रू 2/2 में डिवाइड होता है, मींस सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से, फ्रॉम मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? एक्स इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू। तो दोस्तों यहां पे दिस इज एक्स वन, दिस इज एक्स टू एंड दिस इज एक्स। तो मीन्स टू इक्वल टू एक्स वन मीन्स एक्स प्लस एक्स टू मीन्स वन डिवाइडेड बाई टू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन इक्वल टू फोर, एक्स इक्वल टू फोर माइनस वन, एक्स इक्वल टू आपका आ गया थ्री। सेम इसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूले में वाई इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ पे y की वैल्यू माइनस थ्री इक्वल टू वाई वन मीन्स वाई प्लस वाई टू फोर डिवाइडेड बाई टू, थ्री टू जा सिक्स, तो y प्लस फोर इक्वल टू माइनस सिक्स, तो y इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर। तो इस तरह से y इक्वल टू आपका आ गया माइनस टेन। तो यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट आपको मिल गया, x की वैल्यू थ्री एंड y की वैल्यू माइनस टेन, तो a का कोऑर्डिनेट आपको फाइंड हो गया। तो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट मैक्सिमम। थैंक यू।